हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिछला जो बचा हुआ हमारा है किसका, लाइफ प्रोसेस का टॉपिक। और लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, है ना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग पीछे। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किडनी जो है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, किडनी किस तरह से वर्क करता है, फिल्ट्रेशन का काम किस तरह से परफॉर्म करता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है और किस तरीके से कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनेगा, इसके पूरे मैकेनिज्म को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो किडनी के अंदर जो है यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन स्टेप होता है। फर्स्ट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। सेकेंड स्टेप जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, और तीसरा है रीअब्जॉर्प्शन। तीन स्टेज में ये सारा काम पूरा होता है। तो किडनी को हम लोग पीछे देखे थे, किडनी के स्ट्रक्चर को देखे थे, और साथ में क्या देखे थे कि किडनी के ऊपर जो है एक कवर रहता है, जिस कवर को कैप्सूल कहा जाता है। किडनी के किनारे वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं, बीच वाले हिस्से को मेडुल्ला कहते हैं। इतना सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब पहला स्टेप जो है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में किसका फंक्शन होगा, तो हमारा सबसे पहला जो था कौन, बोमेन कैप्सूल, जिसको मालपीजियन ट्यूबुल्स बोमेन कैप्सूल था, है ना। इसके अंदर ग्लोमेरुलस था, और क्या था, ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स था, तो इसी को कंबाइंड रूप से मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रीनल कार्पसल्स। तो पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का सारा काम जो है कहां होने वाला है, तो सारा काम इसका होने वाला है इसी जगह पर, कहां पर, ग्लोमेरुलस में। तो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या कुछ होगा, सबसे पहले सारा ब्लड जो है ये पहुंचेगा, है ना, आर्टरी के द्वारा सारा ब्लड जो है यहाँ पहुंचेगा। और पहुंचने के बाद क्या होगा, इसके सेल्स जो है एपिथेलियल एंडोथेलियल से बने हुए होते हैं, और इसके सेल्स के बीच से होकर के सारे ब्लड के मटेरियल्स जो है वो चले जाएंगे कहां, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर, एक्सेप्ट ब्लड कार्पसल्स, जैसे कि आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों को छोड़ करके जितने सारे ब्लड के कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, कुछ भी जो भी है वो सारा मटेरियल्स जो है पास होकर के कहां आ जाएगा, तो हमारे ग्लोमेरुलस के द्वारा पहुंच जाएगा कहां, नेफ्रॉन के अंदर, है ना। तो नेफ्रॉन के अंदर सारा मटेरियल पहुंच जाएगा, तो इस चीज को ही क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। सारा मटेरियल चलाता है, इसके अलावा कुछ खास करके कुछ एक्सेप्ट ग्रेटर प्रोटीन जो होते हैं, लार्ज साइज के प्रोटीन जो होते हैं वो इसको पास नहीं कर पाते। तो लार्जर साइज के प्रोटीन के लिए इसके एपिथेलियल सेल्स जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि छोटे छोटे पोर्स का निर्माण करते हैं, और उस पोर्स के द्वारा होकर के ये लार्जर प्रोटीन जो है पास होकर के चले जाएंगे इसके अंदर, है ना। तो ये जो छोटे छोटे होल्स है इसको कहा जाता है पोडोसाइट, और इस तरह के फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इस तरह के फिल्ट्रेशन को क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। किसके अंदर होगा, तो देख लिए अभी जो हमारा पोडोसाइट का फॉर्मेशन हुआ था उसके द्वारा ये लार्जर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, बाकी सारा मटेरियल जो है वो पास होकर के चला जाएगा अंदर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, यह क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो कितना ब्लड को ये फिल्टर करके डाल सकता है हमारे टोटल नेफ्रॉन के अंदर, तो लगभग जो है 1100 से 1200 ml ब्लड, 1100 से 1200 ml, 1100 से लेकर 1200 ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, पास होकर के पर मिनट पहुंच जाएगा कहां, नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, हर एक किडनी का ये काम है, इतना ब्लड को ये ट्रांसफर करने का काम करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि इतना ब्लड में क्या सिर्फ हमारा बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, तो कार्पसल्स बचा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। स्टूडेंट ध्यान से सुने और हर चीज को ध्यान से दो बार तीन बार करके इसको देखे तो आपका सारा प्रॉब्लम यहां से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज है जीएफआर जो है, यहां तो समझ में आ गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ सारा ब्लड पास करके कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अगला प्रोसेस जो है जीएफआर,
इसी के अंदर है। तो जीएफआर किसको कहते हैं, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, किसी भी किडनी के नेफ्रॉन का पर सेकेंड पर मिनट जो है कितना ब्लड को वो क्या करता है फिल्टर करने का काम करता है, वही उसका जीएफआर कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट बाय किडनी, मतलब कितना फिल्ट्रेट हमारा ब्लड जब निकल गया तो वापस जो है फिल्ट्रेट कितना फॉर्म होकर के अंदर पहुंचा है, कहां पहुंचा है तो हमारे नेफ्रॉन के अंदर कितना फिल्ट्रेट पहुंचा है वही कहलाता है हमारा जीएफआर कहलाता है। वह 125 एमएल पर मिनट होता है ना, पर मिनट इसका सिंथेसिस रेट कितना होता है 125 एमएल होता है, और टोटल एक दिन में 24 आवर में 180 लीटर ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्लड हमारा 5 से 6 लीटर ब्लड का वॉल्यूम है, और वो 6 लीटर ब्लड कितनी बार फिल्टर्ड हो जाता है किडनी के द्वारा दिन भर में, ठीक है। तो ये हमारा जीएफआर हुआ, समझ में आया। ब्लड को प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं, उससे खतरनाक चीज यूरिया अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट को और एक्स्ट्रा साल्ट आयंस है ना वाटर ये सबको रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग देखें कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर पार्ट क्या थे, हमारे नेफ्रॉन के अंदर पार्ट थे पीसीटी थे, लूप ऑफ हेनले था, डीसीटी था, कलेक्टिंग डक्ट था, ये सारे पार्ट थे हमारे नेफ्रॉन के। तो ये सारे पार्ट्स जो है ये हमारे पूरे मैकेनिज्म में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ट्यूबुलर सिक्रीशन में रीअब्जॉर्प्शन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहला पीसीटी का है ना, तो याद रखें कि पीसीटी का बहुत बढ़िया काम है, बहुत ज्यादा काम है। हम लोग देखें कि सारा ब्लड छिलछिथन करके कहां चला आया है, अंदर आ गया, तो इस तरह से हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। उस कमी को रोकने के लिए 70 से 80% हमारा ब्लड जो है वो वापस जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, पीसीटी के द्वारा। पीसीटी टोटल जितना वॉल्यूम आया है उसका 70 से 80% को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्या कौन सा चीज रीअब्जॉर्ब होगा, तो वाटर और जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रीअब्जॉर्ब होकर के वापस हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। पीसीटी का फंक्शन है ये। तो इस वजह से कह सकते हैं हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो है वो क्या करने वाला है, मेंटेन करता है पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड का। यह क्या करेगा, मेंटेन करेगा पीएच को, आयोनिक बैलेंस को ऑफ बॉडी फ्लूइड, है ना। तो क्या मतलब नहीं समझ में आया, तो मतलब ये हुआ कि पीएच मतलब पीएच का मतलब हुआ आयन का कंसंट्रेशन। हम जानते हैं पीएच के द्वारा किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर का पता चलता है। तो यह पीएच को मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा, आयोनिक बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही आयोनिक बैलेंस, जब इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा। और कह रहा है कि इसको वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए है ना, रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पीसीटी को जरूरत पड़ेगा कुछ न कुछ सिक्रीशन करने का, है ना। तो यह क्या करेगा, सेलेक्टिव सिक्रीशन करेगा, यानी कि पीसीटी ट्यूबुल्स के द्वारा कुछ सबस्टांस का सिक्रीशन भी होगा। किन सबस्टांस का सिक्रीशन होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होगा, अमोनिया का सिक्रीशन होगा, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होगा, है ना। ये सारे सिक्रीशन जो है इजिली इन इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा पॉसिबल है, तो यह अगर इनके द्वारा इनके ट्यूबुल्स के द्वारा इन सबस्टांस का अगर सिक्रीशन होता है तो यह एब्जॉर्प्शन का काम आसान हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम। साथ में हमारे पीसीटी एक इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि कार्बोनेट SCO3 है ना, का भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पीसीटी का फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन में पीसीटी का कितना सारा फंक्शन है ये हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका किया, तो H2O का और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करने का काम किया। साथ में रीअब्जॉर्प्शन के लिए इसको जरूरत पड़ती है किसी न किसी सब्सटेंस के सिक्रीशन की, तो सिक्रीशन के रूप में वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन अमोनिया पोटेशियम का भी वो सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। पीसीटी का फंक्शन समझ में आया। दूसरा है लूप ऑफ हेनले, है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें दो लूप है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप, है ना, डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। तो इस क्षेत्र को देखें जो नीचे की ओर उतर रहा है, डिसेंडिंग है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यह वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये भी कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करता है और ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रति ये फुल्ली इम्परमेबल होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। दूसरा चीज देखें कि हमारा ये जो
एसेंडिंग लिम्स है या लूप है, इसका फंक्शन क्या है? तो यह एनएससीएल को क्या करता है, एलएससीएल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, या कह सकते हैं यह इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये वाला हिस्सा है ना, ये कभी भी क्या कर सकता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए कि हेनले लूप में जो बना वह कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट था, वो पास हो जाएगा बट डायरेक्शन में और वो पहुंचेगा कहां, डीसीटी डिस्टल्ड कन्वेक्टेड ट्यूबुल्स के पास ये पहुंचने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये आगे जाता है। उसके बाद डीसीटी का फंक्शन क्या है, तो यह भी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। मतलब देख रहे हैं सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ चलने वाला प्रोसेस है। जब तक सिक्रीशन नहीं होगा तब तक रीअब्जॉर्प्शन का काम भी हमारे नेफ्रॉन के अंदर नहीं हो सकता। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है यह किसका, डीसीटी सोडियम का, वाटर का और कार्बोनेट का, है ना, HCO3 का ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, साथ में इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको जरूरत पड़ता है सिक्रीशन का, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है, पोटेशियम आयन का, अमोनिया का सिक्रीशन होता है। इनके सिक्रीशन के वजह से इस कंसंट्रेटेड सब्सटेंस के अंदर पीएच वैल्यू मेंटेन होता है, सोडियम पोटेशियम का आयोनिक बैलेंस मेंटेन होता है, जो आगे ब्लड को भी हमारा मेंटेन रखता है पीएच वैल्यू को। फिर है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या है, तो कलेक्टिंग डक्ट लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या है, तो यह लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन का। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट सारे वाटर को, जो एक्सेस वाटर है ना, जिससे कि हमारा उधर का पीएच वैल्यू, ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए ब्लड का, उतना अमाउंट में यह वाटर को यहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। कितना अमाउंट में, उतना अमाउंट में जिसके द्वारा कि हमारे ब्लड का, है ना, ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए, उतने ब्लड को वापस वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो किस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग समझे कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन स्टेप, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, सेकेंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, और दूसरा जो है रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये तीन स्टेप में हमारा यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा किडनी का पूरा मैकेनिज्म देखे कि किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ये होगा कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, और कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी चीज क्या है, तो इसे हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए कितना सारा चीज हमारा जरूरी है। ठीक है, अब है कि मान लेते हैं कि हमारा किडनी का काम समझ गए, तो इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो गया, किसी भी तरह का हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में नहीं रह पाएगा इस ऑर्गेन के कारण। अब मान लेते हैं किसी कारणवश ये ऑर्गेन हमारा डैमेज हुआ, है ना, यानी कि किडनी में किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो गई, किडनी में कई तरह की समस्याएं हो सकती है ना, जैसे कि हमारे एक है नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाता है ना, या फिर क्या हो गया, किडनी डैमेज हो गया, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो किडनी कर क्या रहा था, किडनी कर रहा था कि ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा था, तो जो काम अंदर हो रहा था क्यों ना हम उस काम को बाहर कंप्लीट करा दे, तो उसको अगर हम लोग बाहर कंप्लीट कराते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। यह उन पेशेंट को किया जाएगा जिनका किडनी डैमेज हो चुका है, फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है, अगर फिल्ट्रेशन का काम नहीं होगा तो एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेशन होगा किसका, एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेशन होगा किसका, यूरिया का, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, और ये हमारे लिए काफी घातक होगा, जानलेवा होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हीमोडायलिसिस कराया जाता है। हीमोडायलिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक हमारा बर्तन रहता है, एक पॉट रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ऐसे फ्लूड को हम लोग रखते हैं जिस फ्लूड का कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, एक फ्लूड है, उस फ्लूड का कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो सेम एज ब्लड होगा। इसका कंसंट्रेशन कैसा है, तो सेम एज ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जितने सारे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उतना अमाउंट में यहाँ पर भी हम लोग आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेंगे। दूसरा चीज,
इसके अंदर यूरिया होता नहीं है, तो यूरिया नहीं रखेंगे, अमोनिया नहीं रखेंगे, और भी सबस्टांस जो हमारे ब्लड का कंपोजिशन है वो सबको यहाँ मेंटेन किया जाएगा एक पॉट के अंदर। अब क्या होगा कि इस पॉट में हम लोग एक ट्यूबुल्स को रखेंगे, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल्स रहेगा, है ना, इस तरह से हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल्स को हम लोग इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। ये हाईली क्वालिटी बुल्स जो है सेलोफेन का बना होता है, सेलोफेन सेमी परमिएबल नेचर का होता है, और यह अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग पेशेंट के आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करने वाले हैं इस सेलोफेन ट्यूब में। तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा सेलोफेन ट्यूब को किसके, तो आर्टरी से, और आर्टरी से ब्लड इसके अंदर आता रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर सोडियम साइट्रेट रहेगा एंटीकोएगुलेंट के रूप में, जिससे कि ब्लड जो है हमारे बॉडी से बाहर आने के बाद क्लॉट ना कर जाए, इसको रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट या एंटीकोएगुलेंट कोई भी हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, जिसके वजह से ब्लड यहाँ आएगा, है ना। जब आएगा तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन ब्लड के जैसा है, तो ब्लड में जितना मात्रा में सोडियम रहना चाहिए, मान लेते हैं कि ब्लड के अंदर 1 ग्राम सोडियम होना चाहिए, सोडियम जो है 1 ग्राम होना चाहिए, यहाँ पर 1 ग्राम मेंटेन है। अब यहाँ पर जो है सोडियम का अमाउंट क्या हो गया है, 2 ग्राम, इस सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड से आ रहा है उस सेलोफेन ट्यूब में जो है 2 ग्राम सोडियम का कंसंट्रेशन है, तो यह मूव करेगा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कि यह फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड में आता चला जाएगा। उसी तरह से इसमें यूरिया तो है नहीं और यहाँ पर यूरिया आ रहा है, तो यूरिया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, है ना। तो लगातार इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे, और ये ट्यूबुल्स जो है ये वापस हमारे पेशेंट के वेन से जुड़ा हुआ होगा, ये ट्यूबुल्स वापस वेन से जुड़ा हुआ, मतलब इस तरह से ब्लड आ रहा है बाहर और वापस उसके बॉडी में जा भी रहा है, ठीक है। तो लगातार हम लोग इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे, दोहराने के क्रम में हमें यह ध्यान रखना है कि यह कंडीशन तो ऐसा भी आ जाएगा जब दोनों तरफ जो है केमिकल का अमाउंट बराबर हो जाएगा, इसलिए इस पॉट में 2 आउटलेट रखेंगे, एक इनलेट है, है ना, 2 ओपनिंग है, एक आउटलेट, एक इनलेट है, एक आउटलेट, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग टाइम टू टाइम फ्लूइड को चेंज करते रहेंगे, है ना, इधर से निकाल रहे हैं, इधर से टाइम टू ट्यूब टाइम नए फ्लूइड को डालते जाएंगे, जिसके कारण हमारा फिल्ट्रेशन का काम किसी तरह से बाधित नहीं होगा, है ना। तो हीमोडायलिसिस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म के ब्लड का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए किडनी के फंक्शन एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, इसके अलावा एट्रियल नाइट्रो यूरेटिक फैक्टर हार्ट के द्वारा भी सिक्रेट्स होता है, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारे ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। ये हीमोडायलिसिस का प्रोसेस था, डायलिसिस कॉमनली इसको कहा जाता है। डायलिसिस क्यों किए, तो अगर किडनी फेलवर हो गया उस कंडीशन में हम लोग डायलिसिस का काम करते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिटेल है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े तो यहाँ पर बेल आइकॉन बटन दिया हुआ है ना, उसे दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लगातार आपके चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचाने का काम करें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरी तरह से किसको देखा, तो फिल्ट्रेशन को, पूरा प्रक्रिया को देखा। कहीं समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।